यीशु मसीह क्रॉस पे लटके तुम उसके गुणगान गा रहे हो कि यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी पाप, कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य है, वो भी तो पाप है। दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर सच में हैरान होने वाले हैं। एक बुद्धिस्ट व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें बाइबल पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो खुद को भी बर्बाद करता है और दूसरों को गुमराह कर देता है। तो इनकी कुछ ऐसी बातें हैं उस वीडियो में इन्होंने बोली हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। इनका कहना है कि यीशु मसीह तो खुद सलीब पर चढ़ गया, वो भी एक गुनाह है, और यीशु मसीह तो खुद दूसरों को बचाने के लिए आया, वो खुद मर गया। अगर वो खुदा होता, अगर वो परमेश्वर का बेटा होता तो परमेश्वर उसे बचाता। ना जाने कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल इसके विषय में क्या कहती है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताना चाहता हूँ। देन आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड में हर वीडियो में आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में रिकमेंड हो सके और लोग देख सकें कि आज किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह को गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है, बल्कि सच्चाई को छुपा लिया जाता है। और यीशु मसीह का जो चीजें जो यीशु मसीह ने किए संसार में आकर उद्धार के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, उन बातों को अपने लिए पॉइंट बनाकर लोगों के सामने इस कदर रखते हैं कि ताकि लोग गुमराह हो जाएं। देन दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को प्ले करने जा रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ईसाई बन के तो चर्च में गई, मोमबत्ती जलाई, यीशु मसीह क्रॉस पे लटके तुम उसके गुणगान गा रहे हो कि यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी पाप, कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य है, वो भी तो पाप है। एक व्यक्ति जीते जी सूली पे लटक जाए, ये कौन सा पुण्य का कार्य, ये भी तो पाप है। तुम आए संसार को जगाने के लिए, तुम आए संसार को रास्ता दिखाने के लिए, और तुम स्वयं ही सूली पर चढ़ गए, ये कौन सा पुण्य हुआ, ये तो पाप, महापाप हुआ। आत्महत्या करना महापाप है। जब परमेश्वर के बेटे, तुम्हें परमेश्वर ने भेजा, तुम्हें कौन सूली पर लटका देगा। तुम्हें जीवन देने वाला तुम्हारा मालिक है, तो जीवन लेने वाला तुम्हारा मालिक होगा। तुम्हें संसार में सूली पर लटकाने वाला क्या तुम्हारे मालिक से बड़ा था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है एंड आप लोगों ने एक बात इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से नोटिस की होगी। इनका कहना है कि यीशु मसीह तो खुद क्रूस पे झूल रहा था और तुम उस मरे हुए व्यक्ति की आराधना कर रहे हो, तो ये गुमराह करने वाली बात है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने बाइबल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है और यहाँ तक यीशु मसीह के कामों को मैंने अपने जीवन में देखा, यीशु मसीह की उपस्थिति को मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। और यहाँ पे आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि ये जो बुद्धिस्ट व्यक्ति है, इसका कहना है कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होता था, वो खुद अपने आप को बेटा बता रहा है, तो बेटा था तो फिर उसके बाप ने उसे बचाया क्यों नहीं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, यीशु मसीह आया ही इसलिए था इस संसार के अंदर ताकि वो मनुष्य के पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ जाए, और यीशु मसीह वहां पे मरा है। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, इनका ये कहना कि यीशु मसीह मर गया, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बातें, सिर्फ नेगेटिव बातें ये बोल रहे हैं। लेकिन इनका ये नहीं कहना है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा था, यीशु मसीह मरा था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। मैं बोलता हूँ, बाइबल इसके विषय में बोलती है, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। क्या आप लोगों को ये बातें सुनी है इस वीडियो में? दोस्तों, ये गुमराह करने वाली बात है। और यीशु मसीह ने बाइबल में साफ कहा था, अंतिम दिनों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो मसीह का नाम लेकर लोगों को गुमराह करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी वीडियोज वायरल होती है और लोग बहुत सी इन बातों से ठोकर खा जाते हैं, गिर पड़ते हैं और यीशु मसीह पे शक करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यीशु मसीह का संसार में आने का मकसद यही था कि वो मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे दे। यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था, यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था। यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने कहा था, अगर मैं चाहूँ तो 12 स्वर्गदूतों की पलटन इसी वक्त मंगा सकता हूँ। तो यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है, सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में, धरती और पृथ्वी आकाश का मालिक है प्रभु यीशु मसीह। तो वो चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था, कौन यीशु मसीह को छू सकता है? लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो
नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का संसार में आने का मकसद ये नहीं था कि वो ये होगा वो होगा, लेकिन यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए उद्धार बन जाए, मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ जाए। यीशु मसीह मरा ही नहीं था, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा था। ये बातें आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी। बहुत सी बातें विरोध की बातें उठती हैं जहां पर लोग कह रहे होते हैं यीशु मसीह के नाम से लोगों का धर्म परिवर्तन किया था। अगर वो तो खुदा होता तो वो अपने आप को बचा लेता, वो तो खुद को नहीं बचा पाया। लेकिन बाइबल अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। आप लोगों को बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग जान लें कि यीशु मसीह मरा ही नहीं था, परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठा था और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा था और वो फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। वो जीवित है, आज भी जीवित है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं, ऐसी वीडियो देखकर आप बिल्कुल भी यीशु मसीह पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे तरीके से बाइबल पढ़िए, आप देखिए कि यीशु मसीह सच में कार्य करता है और आज भी उसके काम प्रकट हैं। आज भी यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, आज भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, आज भी बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और उसने कहा मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, बादलों पर तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन ऐसी वीडियो से आप सतर्क रहें, सावधान रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, ताकि लोग भी सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। क्योंकि इस समय में भरमाने वाली बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो लोगों का इस्तेमाल करती हैं और झूठी झूठी शिक्षाओं का प्रचार करती हैं, ताकि लोग मसीह में ठोकर खाएं, गिर पड़ें और गुमराह हो जाएं। लेकिन ये समय हमें बहुत चौकस और सावधानी से रहने का है, ताकि हम अंत तक प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। क्योंकि यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के सामने। जबकि यीशु मसीह आया मनुष्य जाति के पापों के लिए, वो आया, वो क्रूस पे चढ़ा, उसने हमारे लिए अपमान को सहा, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसने कोड़े खाए, उसने अपने लहू को बहाया हमारे लिए, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये बातें कोई नहीं कहेगा, सिर्फ नेगेटिव बातें रखते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी नहीं थी, वो मनुष्य जाति का उद्धार था। जब यीशु मसीह का बूंद बूंद लहू बहाया जा रहा था, मनुष्य के पापों की कीमत अदा की जा रही थी। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने लहू को मोल देकर मनुष्य जाति को शैतान के वश में से छुड़ा लिया। यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए लोग हैं मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये समय बहुत ही सतर्क और सावधानी से रहने का है, ताकि हम अंत तक प्रभु यीशु मसीह में बन सकें। क्योंकि ऐसी आत्माएं, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो इस समय निकल चुकी हैं, ताकि मसीह लोगों को किराएं भरमाएं और ऐसी ऐसी शिक्षाओं में फंसकर वो लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करें और दूर हो जाएं। क्योंकि लिखा अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं, ऐसी शिक्षाएं, ऐसे लोग जो निकल निकल कर आते हैं, जो यीशु मसीह की सही बातें छुपाते हैं और गलत चीज़ें सामने रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो किया वो बाइबल आप अच्छे तरीके से पढ़ो, आप लोगों को पता चल जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। एंड आप लोग ज़रूर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसे लोगों को फिर क्या ही कहना चाहिए। ज़रूर आप भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर ऐसे लोगों की बुद्धि खोले, क्योंकि ये बहुत लोगों को ठोकर खिलाने का कारण बन सकते हैं। तो जब परमेश्वर इनके दिमाग को सही जगह पर लेकर आएगा तो बहुतों के उद्धार का कारण भी बन सकते हैं। तो ज़रूर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड बिल्कुल भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। लाइक नहीं किया अभी तक तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्टेंट निकाल कर लेकर आते हैं। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। God bless you.